ना कि नए एसपी को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सोशल मीडिया पे शगुफे चल रहे हैं लगातार, मैंने भी देखा है, डिफरेंट ग्रुप्स में ये चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन ये सब महज अफवाहें हैं। और जो नए एसपी आए हैं उन्हें कुछ मसलों में विशेष महारत हासिल है। धर्मशाला में जो उन्होंने काम किया, ख़ासतौर पर नशे के खिलाफ जो अभियान उन्होंने छेड़ा था और जो उसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट आए, उसमें जितने लोग धर दबोचे गए, जितनी संपत्ति सीज हुई या जितने जो है खेप नशे के पकड़े गए, उसको चलते हुए उन्हें विशेष तौर पे ऊना में लाया गया है। और बहुत जल्दी डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है यहाँ भी नज़र आएंगे। इसलिए कुछ तबकों में हड़कंप मचा हुआ है इस तबादले को लेके, और उनकी कार्यशैली पे कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि पुलिस के लोगों से जो काम लिया जा रहा है। तो ये तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि नशा एक सामाजिक बुराई है। अगर उसके खिलाफ कोई ऑफिसर 24/7 काम करता है और उसको रोकने में अगर विशेष अभियान चलाया जाता है, तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, बशर्ते कि इस ढंग के चर्चाएं की जाएं, शगुफे छोड़े जाएं और ट्रांसफ़र का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक एक महीने के अंदर अंदर बहुत डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है ज़िले को मिलेंगे। ये विशेष अभियान हमने हरोली विधानसभा क्षेत्र में छेड़ा है, जिसके तहत नशे को ना जिम को हाँ जो कंसेप्ट शुरू किया गया था, उसके तहत हमने लगभग 40 जिम हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए हैं। शायद हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने जिम स्थापित नहीं किए गए होंगे। एक मुश्त ये जिम लगे हैं और कुछ स्थानों पे और जिम लग रहे हैं। ये युवा वर्ग का रुझान खेलों के प्रति या जो है जिम्स के प्रति लाने के लिए हमने ये नारा दिया था, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और जहाँ जहाँ जिम लगे हैं वहाँ सुबह और शाम युवा लड़के हमारे जिम्स में जा रहे हैं, लड़कियां जिम्स में जा रही हैं। तो ये एक अभियान जो हमने छेड़ा था ये पूरी तरह सफल रहा है। कुछ लोग नशे के मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ख़ासतौर पर हरोली विधानसभा क्षेत्र में वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ विकास नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, गरीब की सेवा नहीं हुई, तो वो इसको राजनीतिक तौर पर हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम जो है सही मायनों में हरोली को नशा मुक्त बनाने के अभियान को चरणबद्ध तरीके से चला रहे हैं। ये नशा तो सामाजिक बुराई है जैसे मैंने कहा, और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलता है। राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे गिरोह हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन हमने जो एजेंडा चलाया, जहाँ पे हमने स्टेडियम्स बनाए हैं या हमने फुटबॉल एकेडमी बनाई है या अब हम हैंडबॉल एकेडमी बना रहे हैं, उसके साथ साथ हमने जिम्स को स्थापित किया है, तो लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और चंद लोग हैं जो अपना राजनीतिक भविष्य जिनको नज़र नहीं आता है वो इसको मुद्दा बनाते हैं, अन्यथा ये जो है कोई दल विशेष की बात नहीं है। अब हाल ही में जो है पंजाब पुलिस ने मैहतपुर के एक राजनेता के बेटे को पकड़ा और उसके पास बहुत बड़ी खेप जो है नशे की पकड़ी गई। तो इसी ढंग से हाल पीछे हीरा में और हीरथड़ा में जो व्यक्ति नशे की खेप के साथ पकड़े गए, उनके घरों के बाहर तो भाजपा के झंडे लगे हैं।
वो बहुत लंबे लंबे भाजपा के झंडे उनके घरों के बाहर लगते थे, तो इसलिए हम इस बात में नहीं पड़ते कि वो किस दल विशेष के लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमें नशे की सामाजिक बुराई को समाप्त करना है, और उसके लिए जहां हमें जिम्स की स्थापना करनी है, खेल के मैदान बनाने हैं, वहीं पे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाने हैं, हम उस हिसाब से चलते हैं। भाजपा किस बात की आलोचना नहीं करती है? कोई ऐसा विकासात्मक या कल्याणकारी मुद्दा है जिसकी की भाजपा आलोचना ना करती हो? ये जो पंडोगा का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ये इलाके की जनता से पूछा जा सकता है कि क्या किसी ने ये कभी अपने जहन में सोचा था कि पंडोगा में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा? और हमने जब हमें उद्योग विभाग मिला, हमने इसकी प्लानिंग की, हमने 150 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान करवाया, और ये इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे नहीं बन गया। इसके लिए सबसे पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली गई, 10 करोड़ रुपया जो है उसकी एवज में हमने दिया वहाँ पे उस साइट को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ। मैं देख रहा हूँ कि सारे देश दुनिया में बरसात हो रही है, और कहीं नदियां उफान पे हैं, कहीं नाले उफान पे हैं। अभी स्वां का बहुत बड़ा स्वां का फोटोग्राफ आया था कि वो लगभग पुल को टच कर रहा था। तो सारी जगह जो है नुकसान हो रहा है, या जो है ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, बरसात के दिनों में बनती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जाके पंडोगा का निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें खींच रहे हैं कि जी वहाँ मिट्टी आई है, मिट्टी बह रही है। जहाँ पे मिट्टी का काम हो रहा है, जहाँ पे साइट डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ निश्चित तौर पर मिट्टी आएगी, ये क्या कोई नई बात है? लेकिन ये देखा जाए कि वहाँ 150 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, इन लोगों को नज़र नहीं आया कि वहाँ पे 15 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रमोशन सेंटर बन रहा है जो लगभग अंतिम चरण में है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि बिजनेस प्रमोशन सेंटर जो है वो पंडोगा में बनेगा, और हम बहुत जल्दी उसको बना के तैयार कर देंगे, लगभग 1 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा। इसी ढंग से वहाँ पे लेबर हॉस्टल बन रहा है, और वो भी जो है 5-6 करोड़ रुपए का लेबर हॉस्टल है, वो काफ़ी काम उसका हो गया है। फिर 132 केवी का सबस्टेशन उस इलाके में बन रहा है जिसकी कीमत जो है 32-33 करोड़ रुपए है, और ये सब चीज़ें बन रही हैं, कहीं पुल बन रहे हैं और कहीं पे सड़कें बन रही हैं। और अब तो हम बहुत जल्दी जो है 10-12 दिन के अंदर जो हमारे प्लॉट्स वहाँ पर डेवलप हुए हैं, फर्स्ट 20 या 22 प्लॉट्स जो है हम बिक्री पर लगा रहे हैं। जब यहाँ पे कारखाने आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि इस इलाके की डेवलपमेंट क्या हुई है। जैसे ट्रक यूनियन टालीवाल में 8-10 ट्रक थे जब ये इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ था, आज वहाँ पे 800 ट्रक हैं। इस तरफ की खुशहाली उन्नति का पता उस दिन लगेगा जब ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह आबाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं देख रहा था, कोई कह रहा था कि जी किसी ने नहीं कहा मुकेश अग्निहोत्री को कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो मुकेश अग्निहोत्री इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे देखना है कि कहाँ पे क्या होना है। किसी छुट भैये नेता से नहीं पूछा जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको कि दूरदर्शी, जिसकी सोच ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि इसके निर्माण से इलाके का क्या भविष्य बनेगा, वो जाके वहाँ पे जो है वीडियो खींचते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि यहाँ पे से मिट्टी धरक रही है, यहाँ से जो है पानी निकल रहा है। अरे भाई, 150 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, और यहाँ पे 150 क्या, यहाँ पे तो आने वाले टाइम में 400-500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और हजारों करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ कारखाने आएंगे, और जिस ढंग से लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जिस ढंग से यहाँ कारोबार होंगे, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो इसलिए चंद लोग जिनको समझ ही नहीं है, उनका मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। मुख्यमंत्री जी का इसी महीने दौरा हुआ है, मेरे ख्याल 6 और 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, और उनका दौरा
ऊना जिला के विकास के लिए नए मील पत्थर कायम करके गया है, नए आयाम कायम करके गया है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक हरोली विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, इस दफ़ा उनका दौरा इस नज़र से अहम है कि हरोली में जो हमने कभी ख्वाब में सोचा था कि वहाँ पे सचिवालय बनेगा, वो सचिवालय बनके तैयार हो गया और करोड़ों रुपए की लागत से बना, 8-10 करोड़ रुपए की लागत से बना वो सचिवालय जनता को समर्पित किया गया। अब भव्य इमारत जो है हरोली के सचिवालय की, आज जो है वहाँ पे बीचों बीच नज़र आ रही है जब बन के तैयार हुई है, और उसको उसमें अब SDM वहाँ पे बैठेंगे, DSP वहाँ पे बैठेंगे, तहसीलदार वहाँ पे बैठेंगे, अन्य दफ्तर उसके अंदर एक छत के नीचे आएंगे। तो हमने सोचा था कि हरोली के अंदर 3 प्रमुख चीज़ें होनी चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए और एक सचिवालय होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमने अचीव कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे में सचिवालय एक सबसे बड़ी अहम कड़ी है जो कि जनता को समर्पित हुई। फिर उसके बाद खड़की फुटबॉल अकेडमी, वो जनता को समर्पित हुई। फुटबॉल अकेडमी हिमाचल प्रदेश में शायद अभी तक एक ही कायम हुई है, और वो जिस तरीके से कायम हुई है वो खड में जाके देखा जा सकता है किस ढंग से बच्चियां हमारी फुटबॉल खेल रही हैं और वो सब बच्चों को प्रेरित कर रही हैं कि ये इस फुटबॉल अकेडमी को आगे प्रमोट करने में जो है मुख्यमंत्री जी का दौरा बहुत अहम साबित होगा। फिर हमने ITI पहली ITI जो पुबुवाल में बनी, उसका भव्य भवन जो है वो भी जनता को समर्पित हो गया। साथ में उसमें एक नया ट्रेड भी ऐड किया गया है, प्लम्बर का ट्रेड जो है अब नया वहाँ पे खुलेगा। और उसके बाद दुलहड़ का बस अड्डा जनता को समर्पित हो गया, बसें एक स्थान से अब चल पाएंगी बीत इलाके में। और पालकवा में जो PHC थी उसकी बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, वो भी जनता को समर्पित हो गई। और दुलहड़ स्कूल को जो नया भवन मिलना है, 3 करोड़ रुपए की लागत से बनना है, उसका फाउंडेशन स्टोन हो गया। तो कुल मिला के जो 5 भवन बने हुए जो जनता को समर्पित हुए हैं, ये सब बहुत ही अहम बात है। ये विकास की मीनार जो हैं, जो कायम हुए हैं, इसको सब दुनिया देख रही है। और इसी दौर राज में इनका हमने फाउंडेशन स्टोन किया था और इसी राज में हमने इसका उद्घाटन कर दिया। गांव और गरीब का नारा हमने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हरोली की जनता जानती है कि ये नारा कितना सार्थक हुआ है। और इसी शासन में लगभग 5,000 ज़रूरतमंद लोगों की मदद हुई है, 5,000 का आंकड़ा, और 10 करोड़ रुपया जो है उनको उपलब्ध करवाया गया है उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी बीमारी में, उनकी शिक्षा के लिए, उनको शादियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, जहाँ पे एक टेन्योर में 10 करोड़ रुपया इलाज के लिए खर्चा हुआ हो। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने दिल खोल के दिया है। कोई ये कह नहीं सकता कि मेरा दिल का इलाज नहीं हुआ, किडनी का नहीं हुआ, लंग्स का नहीं हुआ। जिसने भी जो इलाज करवाना था, हमने किसी की ज़मीन नहीं बिकने दी, हमने किसी का गहना नहीं बिकने दिया, हमने किसी को कर्ज के नीचे नहीं आने दिया। जो भी लोगों की ज़रूरतें थी उसको हमने पूरा किया। और जो है 53 फंक्शन हो चुके हैं लोगों को मदद करने के लिए, और इलाके की जनता जानती है। और ये तो हमारा एजेंडा है कि विकास तो 2 दिन ठहर के भी किया जा सकता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत होती है। और उसको ये भी नहीं है कि जितना पैसा वो मांग रहा है उससे थोड़ा कम दे दिया जाए। जो हॉस्पिटल से एस्टिमेट्स आए, हमने वो सब जो है लोगों को ऑपरेशन करवाया। अभी तक 250 तो दिल के इलाज हो चुके हैं। तो जिन लोगों के दिल इस मदद की वजह से धड़क रहे हैं, वो लोग जानते हैं
कि ये एजेंडा कितना सार्थक है, हमें इसमें किसी अन्य के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आलोचना की आदत होती है वो अच्छा बुरा एजेंडा नहीं देखते, वो अपनी बात जो है कहते रहते हैं, लेकिन जनता सबसे बड़ी जज है और इसीलिए हम 3 दफा लगातार MLA बने हैं। देखो, सुवां का तटीकरण एक बड़ा अहम मसला है ऊना जिला को लेके, और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गंगा साफ कर दी जाएगी, गंगा में सफाई अभियान चलाया जाएगा, हम भी गंगा की पवित्रता में विश्वास रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि गंगा साफ की जाए, लेकिन हमारे लिए सुवां भी बहुत अहम है। सुवां की चैनलाइजेशन, सुवां का तटीकरण एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, ऊना जिला की ये लाइफलाइन है। और जब हम सत्ता में आए थे तो हमने फैसला किया कि सुवां की सहायक नदियों का तटीकरण किया जाए, सुवां का जो चैनलाइजेशन है वो किया जाए। इसको लेके भाजपा के लोग चाहे जितने मर्जी दम गजे मारते रहें या दावे करते जाएं, लेकिन ये तय है कि हमने 922 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, उसकी तमाम तारीखें, कब कब उसको किस किस एजेंसी ने जो है मान्यता दी और सैंक्शंस दी, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। खैर, हम जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और इसका हमने फाउंडेशन स्टोन हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया था, और उसके बाद इसका काम शुरू हुआ, लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक का काम हो चुका था जबकि मोदी जी की सरकार आ गई केंद्र में, और आनन फानन में इस प्रोजेक्ट का काम रुकवा दिया गया। और जिन लोगों ने ये काम रुकवाया था, शायद उस समय तो उनकी सोच गर्मजोशी में उन्होंने इसको रुकवा दिया, लेकिन उसके बाद वो इसको खुलवा नहीं पाए, अपने प्रयास बाद में शायद उन्होंने किए लेकिन वो खुलवा नहीं पाए, और उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान जिले का किया है। आज जब सुवां की चैनलाइजेशन जहाँ जहाँ हुई, जिन खड्डों की हुई, और जब वहाँ पे बहुत पानी आया तो जो है इलाके का नुकसान नहीं हो सका, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का काम रुकवाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली कदम था। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में मिले हैं जाके, IPH मिनिस्टर भी मिले हैं, हम भी कई दफ़ा केंद्रीय नेतृत्व से बात कर चुके हैं और पत्र व्यवहार भी हुआ है, आधिकारिक लेवल पे भी हुआ है, लेकिन अभी तक ये फंडिंग खुली नहीं है। हमारा अभी भी केंद्र सरकार से आग्रह है कि ये ऊना जिला की लाइफलाइन है, इसके बहुत दूरगामी नुकसान होंगे। जिन लोगों ने ये पैसा रुकवाया है, जिन लोगों ने ऊना के विकास में और इसके भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको इसका निश्चित तौर पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा।